आज बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वाले देशों के बारे में और जानेंगे कि भारत किस स्थान पर है रेलवे नेटवर्क में। रेलवे किसी भी देश में सबसे सुरक्षित, सुगम और सस्ता यात्रा का साधन माना जाता है। भारत में रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। इसमें गरीब से लेकर मिडिल क्लास और अमीर तक सभी इसमें यात्रा करना पसंद करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रेल सबसे सस्ता साधन होता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वाले देशों के बारे में। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश है, जहां 1,48,553 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। लेकिन यहां 35,000 किलोमीटर हिस्सा ही यात्री ट्रेनों के लिए है, बाकी पर फ्रेट ट्रेनें चलती हैं। दूसरे स्थान पर चाइना का नाम आता है, जहां का रेलवे नेटवर्क 1,26,000 किलोमीटर का है। साथ ही 40,000 किलोमीटर वाले हाई स्पीड नेटवर्क के साथ यह पूरी दुनिया में सबसे अधिक है और भारतीय रेलवे के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा यात्री एक साल में चाइनीज रेलवे में सफर करते हैं। तीसरे नंबर पर रूस का नाम आता है, जहां 85,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है। हालांकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहां अधिक घनत्व और ठंडा होने के कारण रेल रूट बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। चौथे स्थान पर अपने देश भारत का नाम आता है, जहां तकरीबन 68,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। आपको बता दें, तकरीबन 19,000 ट्रेनें चलती हैं, जिसमें तकरीबन 13,000 पैसेंजर और बाकी फ्रेट ट्रेनें शामिल हैं। और भारतीय रेलवे में एक साल में सबसे अधिक यात्री यात्रा करते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पांचवें स्थान पर कनाडा का नाम आता है, जिसका रेल नेटवर्क तकरीबन 48,000 किलोमीटर का है।